नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, दुनिया भर के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए और सेक्स से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रियलिटी शो बिग बॉस 11 का ग्रैंड फिनाले रविवार को है। शो में अब सिर्फ दो कंटेस्टेंट ही बचे हैं। पुनीत शर्मा और विकास गुप्ता दोनों बाहर हो चुके हैं और अब शिल्पा शिंदे व हिना खान में ही मुकाबला है। वैसे शो की कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करें तो फर्स्ट वीकेंड का वार में सलमान कंटेस्टेंट जुबैर खान की बदतमीजियों से इतने ज्यादा गुस्सा हुए कि उन्होंने कहा था, तुम्हारे घर से बाहर निकलने के बाद अगर कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सलमान की फटकार से बिगड़ी थी जुबैर की तबीयत। सलमान की फटकार से शो में ही जुबैर की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्होंने शो से इमरजेंसी में एग्जिट किया। कॉन्फ्रेंस एरिया में बैठे हुए जुबैर का काफी सिर दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें दवा दी गई। कुछ टाइम बाद ही जुबैर की ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया गया था। पुनीत बंदगी का इंटीमेट होना बिग बॉस सीजन 11 में। पुनीत ने कैप्टन बनते ही बेखौफ होकर बंदगी कालरा से इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। वीकेंड का वार एपिसोड में दोनों एक बेड पर साथ लेटकर लिप लॉक करते नजर आए। दोनों ने लाइट्स बंद होने और बाकी कंटेस्टेंट के सो जाने के बाद रोमांस किया। दरअसल पुनीत ने बंदगी को प्रियंक की पीठ पर लोशन लगाते हुए देखा था, जिससे उन्हें काफी जलन हुई थी। इसी के बाद पुनीत ने बंदगी को किस करने के लिए फोर्स किया था। सिगरेट फूंकती दिखी ज्योति कुमारी बिग बॉस रन 11 में। चौथे हफ्ते मसौड़ी बिहार से आई 20 साल की यंगेस्ट और कॉमन कंटेस्टेंट ज्योति कुमारी शिल्पा शिंदे और अर्शी खान के साथ सिगरेट पीते नजर आने के कारण काफी चर्चा में रही थी। ज्योति ने बिग बॉस रन 11 के लिए एक वीडियो बनाकर भेजा था। इस पर बिग बॉस की ओर से दिल्ली में ज्योति का ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन में चुने जाने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया। इंटरव्यू में पास होने के बाद ज्योति का नाम फाइनल हो गया था। अर्शी का टॉवल पहनकर घूमना। अर्शी खान ने बिग बॉस में सारी हदें पार कर दी और वे पूरे घर में टॉवल पहनकर घूमती नजर आए। दरअसल ऐसा उन्होंने आकाश दादलानी के उकसाने पर किया। आकाश के उकसाने पर अर्शी कहती है, नेशनल टेलीविजन है समझा कर। फिर आकाश कहता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती क्यों है। फिर अर्शी फिर भी नहीं मानती और कहती है कि घर में क्लेश होगा। आकाश अर्शी से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार आकाश अर्शी को उकसाने में कामयाब होता है और अर्शी येलो कलर का टॉवल पहनकर घर में घूमती है। अर्शी को टॉवल में देखकर आकाश कहता है, ये हुई ना बात। अर्शी को टॉवल में घूमता देखकर हाउसमेट्स दंग रह गए थे। अर्शी का विकास को कॉन्डम वाली बात बताना। बिग बॉस के एक अनसिंग वीडियो में अर्शी खान विकास गुप्ता को एक वाक्या सुना रही है। अर्शी कह रही है कि एक बार मेरे पापा मुंबई वाले घर पर आए हुए थे, मैं काम पर गई हुई थी और उन्होंने मेरी वार्डरोब को खोला और उसे सही से जमाने लगे। इसके बाद मेरे कपड़ों में से उन्हें एक पैकेट मिला, जिसे देखकर उन्होंने तुरंत माँ को कॉल किया और बहुत गुस्सा हुए। आगे बताया कि मेरे पास माँ का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा, यह सब क्या है। इसके बाद मैं पूरी रात घर नहीं गई थी और फ्रेंड के यहाँ रुकी थी। अर्शी ने विकास गुप्ता को बताया कि मैं अगले दिन अपनी एक फ्रेंड महिमा को घर लेकर गई और पापा से कहा कि वो पैकेट इसका है। मीडिया को दिए इंटरव्यू के मुताबिक भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह ने कहा कि वे शुरुआती दिनों में अर्शी खान की रूम में थी। अर्शी के पिता को जो पैकेट मिला था वो पैकेट कॉन्डम का था। फ्रेंड अर्शी के कहने पर पूरा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर लिया था। प्रियंक पर भड़की आशी बोली, तुझे तो जूते से मारूंगी। कंटेस्टेंट लग्जरी बजट टास्क के दौरान हिना और प्रियंक मिलकर आशी के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं कि वो हिट इन पर डॉगी डालती हैं। प्रियंक ने आशी पर यह आरोप भी लगाया कि वो उनसे अय्याशी करने की बात कहती थी। इस पर आशी ने प्रियंक से कहा,
मेरे पास आया तो मैं तुझे जूते से मारूंगी। इसके बाद भड़की अर्शी ने प्रियंक को कहा, बाखुदा मैंने नेशनल टेलीविजन पे तेरी इज्जत नहीं उतार दी तो मेरा नाम अर्शी खान नहीं। अर्शी ने कहा, जूते से मारूंगी अगर तू मेरे पास आया। वो पागल लड़की होगी जो तुझ जैसे को पसंद करती होगी। तुझे औरत की इज्जत करना नहीं आता। हिना से लड़ाई के बाद बिग बॉस के घर से विकास का भागना। विकास और हिना के बीच जमकर लड़ाई हुई जिसके बाद विकास घर की दीवार फांद कर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गलती से यहां का दरवाजा खुला रह गया था और विकास को इस घर से बाहर निकलने का अच्छा मौका मिल गया। ये सब इस घर के इतिहास में पहली बार हुआ कि बिग बॉस के घर में किसी कंटेस्टेंट ने इस तरह का कदम उठाया हो। हालांकि बाद में क्रू मेंबर्स उन्हें समझाकर घर ले आए थे। बिग बॉस के नियम तोड़ने की वजह से उन्हें कालकोठरी भेज दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।